धम्पत श्रीद में जब आपको बार बार मन और माइंड और चेतना के बारे में बताया जाएगा तो मन का मतलब यहाँ दिमाग से या मस्तिष्क से या ब्रेन से नहीं है मन और माइंड एक चीज़ है मन को इंग्लिश में माइंड कहते हैं और दिमाग ब्रेन और चेतना दिमाग ब्रेन और जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल अलग चीज़ है दिमाग मस्तिष्क और ब्रेन ये हमारी खोपड़ी के अंदर स्कल के अंदर हड्डियों के बीच में होता है जो सारे सिस्टम को प्रोसेस करता है जितना भी हम पूरे दिन में लेते हैं सीखते हैं या जो हमें करना होता है और माइंड वो चीज़ है जो उसको चलाता है यानी माइंड ब्रेन को चलाता है मस्तिष्क को चलाता है दिमाग को चलाता है मन जो चलाता है ये भगवान बुद्ध ने ढाई हजार साल पहले खोजा था और यही सबसे बड़ी दुनिया की खोज थी जब उन्होंने ये कहा कि सारे शरीर को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम मन है और वो सॉफ्टवेयर ही पूरे शरीर को चलाता है इसमें जो ब्रेन है जो इसमें मस्तिष्क है उसको प्रोसेसर बोलते हैं आज की भाषा में अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है यानी वो मन है इसी तरह उन्होंने स्पष्ट बताया आज की भाषा में कि ह्यूमन का जो सॉफ्टवेयर है वो मन है और जो ह्यूमन का हार्डवेयर है वो उसका पूरा शरीर है मगर यहाँ जो हिंदी में और जो लोगों में कहावतें आती रहती हैं कि आपका दिल नहीं कर रहा या दिल में आपके दर्द हो गया या दिल आपका बड़ा नहीं है या दिल आपका धक धक कर रहा है या ये बात दिल में आ गई या मेरा दिल इसको कर रहा है या अब तो मेरा दिल उस पर आ गया या दिल ऐसा कहता है या दिल मानता नहीं ये दिल से यानी हृदय से हार्ट से संबंधित जितनी भी बातें बोली जाती हैं दरअसल ये बातें मन से संबंधित हैं कि मन में ये बात आ गई मन नहीं मानना मन ऐसा करेगा मगर इसको हृदय में इसलिए बोलते हैं कि जब भी हम कोई बात हम कोई काम करते हैं या कोई बात होती है तो हमारा जब मन उसको प्रोसेस करता है और कमांड करता है मस्तिष्क को कि आप इसको करें तो उस काम करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की या कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड के सर्कुलेशन को ज़्यादा पम्प करेगा या कम करेगा और उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो ऐसा लगता है कि बात मन में आई और दिल हिलने लगा बात मन में आई अगर वो बात मन में नहीं आएगी तो दिल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगर अगर मन में आती है बात अगर मन में आती है तो दिल पे फ़र्क पड़ देगा इसलिए मन का दूसरा नाम दिल या हृदय भी रखा गया है, जिस पर बहुत सारी कविताएँ कहानियाँ बनी हैं यहाँ जो पाली में जो चेतना यानी और जो मन पढ़ाया जाए जाए जाएगा उसका मतलब है ह्यूमन सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है या जो जीवों के जितने भी जीव हैं उनको चलाता है उनका सॉफ्टवेयर धन्यवाद